कोविड वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी, कैसे इसका इस्तेमाल होगा, लगाते समय क्या क्या सावधानियां बरती जाएंगी, तमाम बातों को लेकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के सभी हेल्थ वर्कर्स और स्टाफ को जानकारी एवं ट्रेनिंग दी गई। मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह डोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि कैसे वैक्सीन में किसका क्या रोल होगा, किस तरह से हर स्टेप को ध्यान में रख के काम करना है, सभी पहलुओं पर ये जानकारी उपलब्ध करवाई गई। एक डेमो के माध्यम से हेल्थ सेंटर के प्रांगण में तमाम कार्रवाई हुई, जिसमें स्टाफ सदस्यों को उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में वैक्सीन को लगाने का कार्य शुरू होगा, जिसके चलते ये वैक्सीन सही तरीके से लगाई जाए, किसी भी तरह की असुविधा न लगाने वालों को हो और न ही जिसे ये लगाई जा रही है। इसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मेडिकल वर्कर सुरेखा, विद्या देवी आर्ट, आशा वर्कर, सुपरवाइजर जीवन लता सूद, सुनीता नीता व अन्य सभी ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इसमें मास्क पहनना, हाथ धोना और दो गज की दूरी के ऊपर विशेष तौर पर जागरूक करने को कहा गया।